रवाई जन एकता मंच के संरक्षक दुर्गेश्वर लाल समेत 20 युवाओं ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। इस मौके पर बीजेपी के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष नरेश बंसल समेत पार्टी के कई नेताओं ने उनका स्वागत किया है। दुर्गेश्वर लाल ने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि बीजेपी देश की नंबर वन पार्टी है। पार्टी में शामिल होने पर उन्होंने पीएम मोदी, मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत समेत पार्टी के मंत्रीगणों का धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी का कार्यकाल ईमानदारी वाला रहा है और मैं भी इसी ईमानदारी को आगे ले जाते हुए पूरी जिम्मेदारी से बीजेपी का साथ दूंगा। एक सिपाही बनने का मौका दिया, मैं अपने कर्तव्य का निर्वाह करूंगा और श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, उनका जो लक्ष्य है राष्ट्रवाद, सबसे पहले एक राष्ट्र है तब सब कुछ है। वहीं इस दौरान नरेश बंसल से सवाल पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पास अब कोई मुद्दा नहीं बचा है और सवाल को उठाने की स्थिति में कांग्रेस नहीं दिख रही है, इसलिए वो फिजूल के प्रश्नों को उठाने में लगी हुई है। उन्होंने कहा कि कोई सांसद राज बब्बर से पूछे कि उन्होंने कितने काम किए हैं। इसी के साथ नरेश बंसल ने कल पीएम मोदी की रुद्रपुर रैली की तारीफ करते हुए कहा कि जहां राहुल गांधी की जनसभा में देहरादून में 16,000 से 20,000 के बीच लोग आए थे, वहीं 1.5 लाख के करीब लोग पीएम मोदी के विकास को आगे बढ़ाने के लिए रुद्रपुर में इकट्ठा हुए। यह साबित करता है कि अगले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही होंगे और बीजेपी बहुमत से सत्ता में आएगी। जिस प्रकार का ईमानदार नेतृत्व भारत को मोदी जी ने दिया है, वो फिर से प्रधानमंत्री बने, ये युवकों में जोश है, इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर रहा हूं। मैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से इस परिवार में सम्मिलित होने के लिए दुर्गेश जी और उनकी पूरी टीम का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। उधम सिंह नगर के रुद्रपुर में मुखर्जी नगर में चल रहे महानाम संकीर्तन में कल अंतिम दिन में देर रात हरीश रावत अचानक अपने समर्थकों के साथ पहुंच गए। लोकसभा चुनाव भी है तो उनके साथ उनका पूरा काफिला भी मौजूद रहा, लेकिन चुनाव के बावजूद रावत अपने पुराने अंदाज में ही नजर आए। अपने चित परिचित अंदाज में मंदिर में ईश्वर के सामने सर झुकाने के बाद मंदिर परिसर में चल रहे महानाम संकीर्तन में बाउल कीर्तन कलाकारों के साथ वघीय यंत्र बजाते हुए संकीर्तन करने में जुट गए। हरीश रावत के साथ कुछ देर यूं ही इस माहौल में लोग कीर्तन करते रहे। रावत का यह सिलसिला यही नहीं रुका, संकीर्तन में चल रहे विशाल भंडारे में पहुंचकर रावत ने सभी को प्रसाद बांटा। अंत में अपने ही अंदाज में भंडारे में प्रसाद ग्रहण कर लोगों को अपनी ओर आकर्षित किया। हरिभक्ति है और ये हरिभक्ति जो हमारे बंगाली समाज के साथ आई है, उसका आध्यात्म से संकेत में जो बड़ा भाई ठहरा गया था, इसलिए मैं हमेशा इसे एकत्रित करूँगा। एक ही पार्टी के दो विधायकों में इस वक्त बुरी तरह से घमासान मचा हुआ है। दोनों ओर से नोटिसबाजी की जा रही है, जहां एक ओर खानपुर विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन की तरफ से झबरेड़ा विधायक देशराज कर्णवाल को मानहानि का नोटिस जारी किया गया है, तो वहीं झबरेड़ा विधायक ने भी खुद चैंपियन सहित उनके 3 समर्थकों को भी अभद्रता करने का नोटिस जारी कर दिया है। आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों से हरिद्वार जिले में 2 भाजपा विधायकों में जुबानी जंग जारी है, जिसके चलते भाजपा संगठन में हलचल मची हुई है। बनाया आप सबको बता दूं, तो इसका मतलब जालसाज फ्रॉड झूठा आदमी और झूठे आरोप हम पे लगा रहा। हमने कब कहा भैया दलित समाज पर्चा दाखिल ना करे, हमने तो नहीं कही बात, कोई भी करो, हमने तो ये कहा हर कार्यकर्ता को अधिकार है। और मेरा स्टाइल चैंपियन वाला है, क्योंकि इंटरनेशनल पहलवान पहलवानी के स्टाइल में पूरी जोरदारी से मैंने किया। उत्तराखंड में भाजपा की विजय शंखनाद रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जमकर हुंकार भरी। प्रधानमंत्री ने उत्तराखंड के विकास, पर्यटन और स्थानीय समस्याओं को लेकर पिछली सरकारों के कार्यकाल में बढ़ते आतंकवाद, सेना की दुर्दशा और अन्य राष्ट्रीय मुद्दों पर भी जनता से सीधा संवाद स्थापित किया। उन्होंने उत्तराखंड को 4 धामों के अतिरिक्त 5वें धाम सैनिक धाम की भूमि बताया। रुद्रपुर में प्रधानमंत्री की रैली में पीएम मोदी ने जनता से वादा किया कि वर्ष 2022 तक कोई ऐसा नहीं रह जाएगा जिसके पास पक्का मकान
या फिर रहने की जगह ना हो। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने शहीद उधम सिंह और गुरु नानक देव को याद भी किया। प्रधानमंत्री की विजय संकल्प रैली के बाद भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और नैनीताल उधम सिंह नगर से प्रत्याशी अजय भट्ट ने कहा कि पाकिस्तान और आतंकवादियों के समर्थन में बयान देने वाली कांग्रेस को जनता पहचान चुकी है। इस बार भी उत्तराखंड में भाजपा पांचों सीटों पर विजय प्राप्त करेगी। पांच की पांच सीटें हम इस समय जीतने जा रहे हैं, हमारे प्रदेश इसमें कोई संशय नहीं है, कहीं से कहीं तक संशय नहीं है, क्योंकि लोगों के मन में एक ही बात है, जो आतंकवादियों के हौसले बुलंद करते हैं, जो पाकिस्तान को सुख देने वाले बयान देते हैं, वो देश के सेना को, देश के लोगों को हतोत्साहित करते हैं, हर जगह पर भ्रम की स्थिति पैदा करते हैं, सच्चे विपक्ष में काम भी नहीं कर पा रहे हैं, बहुत गैर जिम्मेदाराना विपक्ष है। इसलिए लोगों ने मन बना लिया है कि पुनः मोदी जी को ही इस देश में लाना है।